ये हो गई वेद की फैमिली. दिस इज अनलिमिटेड फैमिली. गाते भी हैं एडम ईव. दे प्रेज ऑल्सो एडम ईव. कहाँ गाते हैं? वे टू द प्रेज. गायन कहाँ है ये? बाइबल शास्त्रों में, मुसलमानों के शास्त्रों में. वेर इज दिस प्रेज? इट इज देयर इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ मुस्लिम्स. क्रिश्चियंस के शास्त्रों में? स्क्रिप्चर्स ऑफ क्रिश्चियंस. और भारतीय शास्त्रों में जगत पिता और जगदम्बा का गायन है? एंड इन द इंडियन स्क्रिप्चर्स द प्रेज ऑफ जगत पिता एंड जगदम्बा इज देयर. तो बोला इट वॉज सेड गाते भी हैं एडम ईव. दे ऑल्सो प्रेज एडम एंड ईव. हमारा बाप आदम. आवर फादर इज आदम. हमारी मम्मा बीवी. एंड आवर मम्मा इज बीवी. तो फैमिली हुई ना. सो इट इज अ फैमिली इजंट इट. फिर फैमिली को सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? देन हाउ कैन यू से दैट फैमिली इज ओमनीप्रेजेंट. फैमिली है तो सर्वव्यापी की बात होती नहीं, अर्थ ही नहीं लगता. If it is a family, then there is no question of omnipresence. There is no meaning in it. भाई बहन कब होते हैं? जरूर जब प्रजापिता ब्रह्मा होंगे. We are brothers and sisters only when there will be Prajapita Brahma. तब ही भाई बहन हो सकते हैं. Only then there can be brothers and sisters. सिर्फ ब्रह्मा हो, प्रजापिता ना हो. If there is only Brahma and not Prajapita, तो भी नहीं कहेंगे कि ये पक्के पक्के भाई बहन हैं. Then also it cannot be said that they are perfect brother and sister. क्यों? Why? क्यों नहीं कहेंगे? Why will we not say? क्योंकि अम्मा की रहबरी में ये जो पल रहे हैं. Because those who are under the sustenance of mother. बाप का साया जिनके ऊपर नहीं है तो बच्चे बिगड़े हो जाते हैं. And there is no canopy of father on their head. Those children become spoiled children. वो माँ को ही अपने कंट्रोल में करते हैं. They even take the mother under their control. बाप का ही जिन पर साया है, माँ भी नहीं है. And those who have the canopy of only father, mother is not there. तो उनको पूरा प्यार नहीं मिल पाता. Then they don't get the full love. जिन बच्चों को पूरा प्यार का फाउंडेशन नहीं मिलता वो फिर दूसरों के ऊपर कह डालते हैं. Those children who don't get the foundation of full love, then they create a disaster on others. खुद ही प्यार नहीं मिला तो दूसरों को प्यार कैसे देंगे? When they themselves have not received complete love, then how can they give love to others? तो सिर्फ माँ के बच्चे हों पालना लेने वाले या सिर्फ बाप की पालना लेने वाले बच्चे हों, दोनों ही अधूरे किस्म के बच्चे. So if they are the children who receive the sustenance either from mother only or from father only, such children are incomplete type of children. असली बच्चे वो हुए जो माँ का भी प्यार लेते हैं और बाप का भी प्यार भरी पालना लेते हैं. The real children are those who get the love of mother and get the loveful sustenance of father as well.